नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक खास विषय पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष अपना प्रस्तुति दे रहा हूँ। आज का विषय है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी फैला हुआ है और उससे किस प्रकार की समस्याएँ सामने आ रही हैं और लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, देश कितना जो है कि आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है, हर देश की वही स्थिति है, तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे बचाव किया जाए, इसलिए भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार तमाम जो है कि एडवाइजरी जारी कर रही है ताकि जनता उसको फॉलो करे और कम से कम घर से बाहर निकले ताकि इसको जल्द से जल्द रोका जा सके। इस स्थिति पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और हम लोग उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का और इस सर्व समाज का, ताकि इसको बढ़ने से रोका जाए, आज इसके लिए हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं ताकि हम अपना सुझाव आप लोगों से शेयर कर सकें और आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, बारम्बार विनती कीजिए। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये पूरे सर्व समाज की बात है। इसको अगर हम और आप जागरूक होंगे तभी इसको रोका जा सकता है। अभी आपको जैसा पता है कि इसकी कोई जो है कि दवा नहीं, वैक्सीन नहीं बन पाई है, पूरा जो है कि जितने भी विश्व के देश हैं प्रयासरत हैं, तो इसको कैसे हम लोग रोकें, ये बहुत खास विषय है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार वाहन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं सब लोग यही आग्रह कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। सबसे प्राथमिकता ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, उससे जो इसके बढ़ने वाले चैन है उसको रोका जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। दूसरी बात कि कम से कम लोगों से मिलना, जो भी हो, जैसे बात भी करना है, अगर किसी से कोई खासी मित्र हो, आस पड़ोसी रह रहा हो, तो उससे फ़ोन से आप लोग बात कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, प्रयास ये रहे कि कम से कम मिलिए। तीसरी बात कि जो छोटे छोटे फंक्शन वगैरह होते हैं, बर्थडे पार्टी या मित्र मंडली के आगमन पे भोज का आयोजन करना, इससे भी हम सबको बचना पड़ेगा और सबको आगाह करना पड़ेगा, ताकि इतनी जागरूकता होनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। इस प्रकार की तमाम जो है कि सुझाव हैं, तो हम आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितने सक्षम हैं उतने में अपने आस पास के लोगों को जो है कि ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं, आप करने में सक्षम हैं तो ज़रूर उनकी ज़रूरत को पूरी कीजिए। हम यही आग्रह करते हैं आप लोगों से। बाकी अपने आस पास के जितने लोग हैं उनको जागरूक करने का प्रयास कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनके घर जाके जागरूक कीजिए, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके या फ़ोन करके ही जो अपने मित्र लोग हैं उनको बताइए कि इससे जो है कि हम ही लोगों को लड़ना है। जितना हम लोग अपने आप से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उतने जल्द ही कोरोना पर जो है कि विजय पाया जा सकता है और इस महामारी से उभरा जा सकता है। तो ये हम बताने के लिए आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुए थे। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।